मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का ट्रेविस दिखाया जाता है जो उस वक्त एक होटल में रूम ले रहा होता है। और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही रहने वाले दो लोग, जिसमें लड़के का नाम विक्टर और लड़की का नाम एंका होता है, बस वो रूम खाली करके जा ही रहे होते हैं। तब ट्रेविस उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक लेने के बाद एंका नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद विक्टर एंका से कोई बात पूछने वॉशरूम में जाता है और जब वो वहाँ जाता है वो चिल्लाने लगता है और ट्रेविस को भी वहाँ बुला लेता है। ट्रेविस काफी शॉक्ड हो जाता है और बहुत सोच समझने के बाद वो वॉशरूम में जाता है। तब वो देखता है कि एंका बेहोश है। विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने का कहता है, लेकिन देखते ही देखते उसे भी कुछ होने लगता है और फिर वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि ट्रेविस ने उन दोनों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे। और यही नहीं, वो इलीट हंटिंग क्लब के लिए काम भी करता है। विक्टर को जब होश आता है तब वो दिखता है कि वो एक लॉकअप में बंद है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ तक आखिर कैसे पहुंचा। और इतनी ही देर में दो गार्ड्स वहां पर आते हैं और एंका को उठाकर ले जाते हैं। ऐसा विक्टर के सामने होता है और वो चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमें एक लड़का स्कॉट दिखाया जाता है जिसकी एक हफ्ते बाद एक लड़की जिसका नाम एमी था उसके साथ शादी होने वाली थी। तब स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास वेगस लेकर जाता है। उन्हें उनके बाकी दो फ्रेंड भी वहीं मिल जाते हैं। वो फ्रेंड्स एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहीं पर उन्हें दो लड़कियां कैंड्रा और निकी भी मिलती हैं। वो दोनों लड़कियां उन्हें एक जगह के लिए इनवाइट करती हैं और वो प्लेस सिटी से काफी दूर थी। और तब वो चारों फ्रेंड एक टैक्सी में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी नहीं था। तब स्कॉट के पास एमी की कॉल आती है और वो उससे बातें करने लग जाता है। तब उसके अलावा बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। स्कॉट एमी से बात कर लेने के बाद उन सबको ढूंढता है लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता। और तभी पीछे से कोई आकर उसके फेस को कवर करता है और एक व्हील चेयर पर बिठाकर उसे कहीं ले जा रहा होता है। और यही नहीं, स्कॉट के मुँह में पाइप डालकर वो उसके मुंह में कुछ डाल रहा था। इस सारे सिचुएशन से स्कॉट काफी डर जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट के साथ ये सब उसके फ्रेंड्स कर रहे थे, जो कि एक प्रैंक था और ये सब कुछ उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए प्लान किया हुआ था। फिर वो सब वहाँ पर पार्टी करते हैं और कैंड्रा स्कॉट को लेकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरा फ्रेंड जस्टिन उन सबको देख रहा था। कोई भी लड़की जस्टिन के पास नहीं आ रही थी। और तब निकी उसे अपना कार्ड देकर माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैंड्रा को देखते हैं, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि एक बार पहले भी एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था और दोबारा वो ये गलती नहीं कर सकता था। और इतनी ही देर में माइक और निकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब स्कॉट और कैंड्रा उन्हें अकेला वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो उस क्लब से बाहर आ जाता है। और तब वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। तब उसे देखकर वो वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा लॉक हो चुका था। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है और तब वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं इलीट हंटिंग के कुछ लोग जो कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कॉट को होश आता है तब वो देखता है कि होटल में अपने रूम में कार्टर और जस्टिन के साथ है। तब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचा। वहाँ पर माइक नहीं होता। तब स्कॉट उनसे माइक के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग आंसर करते हैं कि वो निकी के साथ गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर स्कॉट उसे कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल भी ऑफ होता है। तब वो लोग सोचते हैं कि शायद माइक वापस आ जाएगा, लेकिन असल में माइक भी इलीट हंटिंग क्लब के लोगों का शिकार बन चुका था। उन्होंने उसको भी एक लॉकअप में बंद किया हुआ था। माइक खुद को उस लॉकअप में काबा कर काफी पैनिक हो जाता है और तभी दो गार्ड वहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। वहाँ से ले जाने के बाद वो लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयर पर उसे डिस्प्ले की तौर पर बिठाया गया था और बहुत से अमीर लोग उसकी नुमाइश के लिए इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वो सब लोग माइक की तरफ से आपस में बैट लगा रहे थे, जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा या फिर पैसों का लालच देगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देकर जान बचाएगा, यानी अपनी जान बचाने पर उसकी एक्सक्यूज पर वो सब बैट कर रहे थे। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस पर एक मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है और तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने फैमिली वाला ऑप्शन चूज किया था वो जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी माइक के फेस की स्किन काट देता है और उसको निकाल लेता है। उसके साथ ऐसा होता देख कर काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये बात जाहिर होती है कि इस मूवी के पहले पार्ट में
हर इंसान का एक फिक्स रेट था और दूसरे पार्ट में लोगों की ऑनलाइन डिमांड की जाती थी, लेकिन थर्ड यानी इस पार्ट में तो सारे लिमिट्स ही क्रॉस हो जाती हैं। जिंदा इंसानों पर जुआ खेला जा रहा था। माइक के फ्रेंड निकी के कार्ड के थ्रू उसका एड्रेस ढूंढते हैं, जो कार्ड उसने जस्टिन को दिया था। वो एक ट्रेलर में रहती थी और जब वो वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंद है। अब जाहिर है उन्होंने माइक को ढूंढना था तो वो विंडो से ही अंदर चले जाते हैं, और जब वो माइक को सर्च कर रहे होते हैं तब कैंड्रा एक आदमी के साथ वहां पर आती है और उनके ऊपर बंदूक तान देती है। स्कॉट उसे बताता है कि वो यहां पर निकी को ढूंढने आए हैं क्योंकि उनका फ्रेंड माइक उसके साथ गया था जो कि अभी तक वापस नहीं आया है। तब कैंड्रा भी उसे बताती है कि निकी भी अभी तक वापस नहीं आई है, और अब हमें दिखाई जाती है निकी जो कि अब वो डिस्प्ले में होती है, और वहां पर उसे लिटाकर एक आदमी बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके ऊपर छोड़ देता है, जो सारे इंसेक्ट्स उसके मुंह में घुसकर उसका दम घोट देते हैं, उसका सांस बंद हो जाता है और वो मर जाती है। ऑन द अदर हैंड कैंड्रा भी उन सबके साथ निकी को ढूंढने जाती है। तभी ट्रेविस माइक के फोन से निकी की एक पिक्चर को क्लिक करता है और वो जस्टिन को सेंड करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी निकी के साथ ही है, और वो उन्हें एक एड्रेस पर बुलाता है। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो लोग उन्हें बेहोश कर देते हैं और उसी क्लब में ले आते हैं, और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि वो सब मरने वाले हैं। और इतनी ही देर में दो गार्ड्स फिर से आते हैं और इस बार वो जस्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। तब कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाकर उसे अपना टैटू दिखाता है और वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर था। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इस बार हम डिस्प्ले में जस्टिन को देखते हैं, जिसे कार्टर भी वहां पर बैठकर देख रहा होता है। तब एक लड़की क्रीपी सा मास्क पहनकर अंदर आती है और एक क्रॉसबो से जस्टिन पर निशाने लगा रही होती है। वो बहुत सारे तीर उसके अंदर घुसा देती है और लास्ट में एक तीर उसके सर के आर पार करके उसे मार देती है। इसके बाद उनका मेन इवेंट शुरू होता है, जिसमें स्कॉट को पूरी तरह से तैयार करके उस डिस्प्ले में बिठाया जाता है, और उसे मारने कोई और नहीं आता बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि सब कुछ उसी ने प्लान किया था क्योंकि वो एमी को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे। और वो कहता है कि अब जबकि स्कॉट ने मर जाना है, जिसके बाद वो एमी को दिलासा देगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके प्लान में एक डिफिकल्टी आ जाती है और वो ये थी, ट्रेविस बिल्कुल ठीक वक्त पर स्कॉट को आजाद कर देता है क्योंकि ऑडियंस की यही डिमांड थी। तब स्कॉट और कार्टर की काफी लड़ाई होती है और स्कॉट उसे मार कर काफी जख्मी कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ड को मारकर लॉकअप से बाहर तो आ जाता है, लेकिन दूसरे गार्ड को मारने की वजह से वो खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक रूम में जाता है जहां पर मरे हुए लोगों का सारा सामान पड़ा हुआ था। वहां से वो एक फोन ढूंढकर पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन ट्रेविस जब वहां पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस उस जगह के लिए निकल भी चुकी थी, और तब वो सारे क्लाइंट्स को बिल्कुल सही सलामत वहां से निकालने लगते हैं। स्कॉट कैंड्रा को लॉकअप से बाहर निकाल के वहां से भागता है, तभी पीछे से ट्रेविस कैंड्रा पर शूट करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह स्कॉट उसे मार डालता है। दूसरी तरफ उस जगह का ऑनर फ्लेमिंग वहां से भागने लगता है, लेकिन कार्टर उसकी कार में ही छुपा हुआ था और वो उसे मार कर उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है। वो स्कॉट को भी वहां से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और कार से उतरकर जल्दी से वो मेन गेट को लॉक कर देता है, और तब स्कॉट अंदर ही बुरी तरह फंस जाता है और उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कार्टर, जो स्कॉट की डेथ होने के बाद एमी को हौसला दे रहा था, और तब एमी रात को उसे यही रुकने का कहती है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कार्टर चाहता था, लेकिन स्कॉट अभी मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है, और वो दोनों मिलकर कार्टर को बेसमेंट में ले जाकर उसे वहां बांध देते हैं, और वहीं पर स्कॉट उसे एक भयानक मौत देकर अपना रेवेंज ले लेता है। यहां पर स्कॉट का बदला पूरा हो जाता है और बुराई का बुरा अंजाम होता है, वो दोनों मिल जाते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और इसी के साथ मूवी भी